साथियों, मेरे मित्रों, मेरे शिव भक्तों, माता के भक्तों, ये अमरनाथ यात्रा का पवित्र दृश्य है। जो नीचे जो मैं दृश्य दिखा रहा हूँ, ये बालटाल से चलकर ऊपर के लिए आ रहा है और ऊपर सामने जो है तो ये जो ऊपर से रेला आ रहा है, ये जो है तो पहलगांव से आ गया है और नीचे बालटाल से यहाँ इधर संगम हो गया और यहाँ से जो है तो यात्रा बन करके श्री अमरनाथ गुफा की तरफ गई। और अमरनाथ गुफा की तरफ देखो, दूर तक दृश्य दिखाई दे रहा है, कई किलोमीटर दूर है यहाँ से। बर्फ एकदम भरी पड़ी है, लेकिन यात्रियों का, लाखों यात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। आज प्रभु की चौथा पड़ाव है ये, हम लोगों की यात्रा तीसरे पड़ाव में समापन हो गई और ये गुफा का दृश्य दिख रहा है, थोड़ा सा लाल लाल जो दिख रहा है यहाँ पे, ये कई किलोमीटर दूर है यहाँ से। और एक अनोखा दृश्य है यहाँ पे, साथ साथ जो है तो ये माता काली का है और जो बाबा बर्फानी के साथ में महाकाली का, कुछ दूर पहले महाकाली का स्वरूप ये दिख रहा है। ये मैया काली पहाड़ी पर विराजमान है, इनका अद्भुत दृश्य का दर्शन आप सभी भक्तजनों पर बराबर बना रहे। और एक बार मैं कहूँगा कि ज़रूर बाबा बर्फानी के दर्शन करें, अमरनाथ की यात्रा करें। अमरनाथ की यात्रा का फल हजारों गुना बढ़कर मिलता है। प्रभु से दुआएं हैं कि जो प्राणी परेशान है, जो परिवार परेशान है, जो व्यक्ति विशेष परेशान है अपने रोजगार से, परिवार से, वे एक बार ज़रूर बाबा बर्फानी के दर्शन करें। ये नीचे बालटाल से आ रहे हैं, ऊपर को देखो आप, कितना बड़ा रेला जमा पड़ा है बालटाल से। काफ़ी दूर है बालटाल यहाँ से, कई किलोमीटर नीचे है। और ये हेलीकॉप्टर की भी यात्रा से जो लोग आ रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी हेलीकॉप्टर यहाँ पे चलता है। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाबा बर्फानी, हे पवित्र अमरनाथ गुफा, सभी भक्तों पर कृपा करें। सभी भक्त जो नहीं आ पा रहे हैं उन पर भी ज़रूर कृपा करें, ज़रूर कृपा करें। चाह के भी जो लोग नहीं आ सकते हैं आपके दर तक, सब पे कृपा करें, सब पे कृपा करें, सब पे कृपा करें, सब पे कृपा करें। श्री राम, जय राम, जय जय राम।